गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हम जा मांगने आपका जा। नहीं माजा, पापा जा। हम साथ। हमारी यूनियन। सरकार कोई भी आए, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मुसीबतें कम नहीं होती। जब भी ये आंदोलन करते हैं, हमेशा इन्हें लॉलीपॉप देकर घर भेज दिया जाता है, ऐसा आंदोलनकर्ताओं का कहना रहा है। मामला जलगांव महाराष्ट्र का है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद के बाहर हजारों की संख्या में बर्तन बजाकर सरकार का निषेध व्यक्त किया और बार बार खोखले आश्वासन के लिए सरकार की निंदा भी की। कई आंदोलनकारियों को तो काफी समय से वेतन ही नहीं मिला है, जबकि सेवा देने में आंगनवाड़ी सेविकाएं किसी भी तरह की गलती नहीं किया करती हैं, तो फिर उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिलता। और इसके बावजूद भी कॉन्फ्रेंस ली थी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, वो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपए वार की थी उन्होंने, और मदद निशो को 1000 रुपए और मिनी आंगनवाड़ी को 1250 की जो वार दी थी, वो वार उन्होंने कहा था कि आपको दिवाली साजरा करने के लिए मैं आपके काम से खुश होकर के दे रहा हूँ, कर्मचारी का दर्जा देना पाहिए, ये हमारी मूल मांगनी है। आज ये मूल मांगने की तरफ ध्यान न देते हुए ये सरकार जो बजट जो आंगनवाड़ी के लिए जो दिया हुआ है उसमें भी कपात की है। ऐसा लगता है कि अब अगर अभी भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये 2 दिन के अंदर 8 और 9 का जो संप है, अगर मोदी जी ने और फडणवीस जी ने अगर ध्यान नहीं दिया तो 11 तारीख को जेल भरो आंदोलन ये महाराष्ट्र के अंदर पूरे जिले के अंदर होने वाला है। मैं मोदी जी से, उनकी सरकार से ये कहूँगी कि आप एक तरफ ये दिखाते हैं कि महिला स्वावलंबी हो रही है, महिलाओं को हम सक्षम बना रहे हैं, तो क्या यही आपका सक्षमीकरण है कि जो आंगनवाड़ी जो कार्य करती है वो रास्ते पे उतर रही है और आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है। इस तरह के काफी आंदोलन कई बार हो चुके हैं, हर बार आंदोलनकारियों को आश्वासन देकर वापस कर दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आंगनवाड़ी सेविकाओं को न्याय देने की बात कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस आंदोलन को भी विकराल होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना रहा है। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।